लिखा हुआ है कि इकाई 18 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, ठीक है, कह रहा है कि एक समलंब क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर। तो समलंब के क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है एक समलंब कैसे बनता है, इस तरह का बनता है। देखो समलंब किस तरह का बनता है, इस तरह का। अब हमसे क्या कह रहा है उसमें, उसकी जो समांतर भुजा एक हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब एक हमारी कितनी है, ये 4 हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी, 4 सेंटीमीटर की है। कह रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, जो हमारी जो बीच की दूरी यहाँ से जो लंब पड़ते हैं, ये वाले लंब होते हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 जब सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। चलिए, तो समलंब फार्मूला होता है क्या लिखा, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हुआ, समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया, 1/2 तो आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। जब 1/2 आ गया, समांतर भुजाओं का योग मतलब कौन दिया है, 4 दी हो, 3 दी है, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया 4 + 3। अब ऊंचाई कितनी दी गई है हमारी, 3 दी गई है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 × 3 = 7, अब गुणे 3, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21/2, ठीक है। अब इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम कह सकते हैं कैसे, अब क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 = 0, 2 × 5 = 10, 10 पॉइंट वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक। हमसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समला का क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी समांतर भुजाओं में से एक की भुजा की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या है, एक भुजा दी गई, देखो लिखो माना, देखो उसमें क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा के समला का क्षेत्रफल, उसकी एक भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी दी थी, तो हमें दूसरी मालूम नहीं, तो लिखेंगे माना दूसरी भुजा को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि मालूम तो है नहीं। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, वही समलंब का क्षेत्र पर कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लिखो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, अभी बताया था, क्या बताया था कि समांतर भुजाओं का योग अवगुणे ऊंचाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो क्या है, देखो 1/2, अब वहाँ पास इसका समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया, देखो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 दिया गया। अब कह रहा है कि इनके भुजाओं में, अब हमें मालूम है एक भुजा हमारे पास क्या है, 9 सेंटीमीटर है, और दूसरी हमें पता नहीं, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ऊंचाई कितनी दी गई, देखो इसकी ऊंचाई हमारे पास दी गई है, इसकी में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, तो यहाँ लिख देंगे 3, ऊंचाई इसकी कितनी है, 3 है। सिंपल सा सवाल था, 3 थी, तो कुछ नहीं करना फिर, यहाँ पर क्या है, जे इधर चला जाएगा और जे हमारा क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 36, देखो यहाँ समझो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 36 × 2, अब ये हमारे पास 3 आ गया, अब बराबर क्या बचा हमारे पास, 9 + x, ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 3, 6, तो 12 × 2 = कितना हो गया यहाँ पे, 24 हो गया, और 9 + x हो गया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 − 9, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 × 9 = 24, तो यही हमारा x की भुजा पूछी थी, तो दूसरी भुजा कितनी निकल आई हमारे पास, 15 निकल आई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD, AB समांतर CD के, देखो AB समांतर क्या है, CD के, तो AD हमारे पास लंब पड़ा हुआ है, देखो तो क्या, अगर AB हमारी 8 है, AB कितनी है, 8 है, BC कितनी है, देखो BC हमारी 5 है, BC और DC कितने हैं, बराबर बराबर है, ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो वहाँ पर समलंब बन रहा है, देखो समलंब क्या बन रहा है, ए बी सी डी, तो लिखो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। एक ही फार्मूला हमारे पास क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग अगुणे ऊंचाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास जो क्या दिया गया, ये जब यहाँ पे यहाँ तक अगर डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो तो जब हमारी इतनी भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 5 हो जाएगी, बची हुई ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो यहाँ पे कितना है, 5 3 8 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, और ये भुजा हमें पता करनी है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई की ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला मालूम है क्या होता है। फार्मूला देखो, ये क्या बन गया, समकोण बन गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण दिया गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण मार कितना दिया, 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब का स्क्वायर। अब आधार हमारे पास मालूम है कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 25 लंब का स्क्वायर प्लस 3 तो का 9, 25 माइनस के 9 बराबर लंब का स्क्वायर। तो देखो 25 में से 9 का कितना बच जाएगा हमारे पास, 25 में से 9 का हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 बराबर लंब। अब इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो लंब हमारा कितना आ गया है हमारे पास, तो लंब हमारा कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसको, वैल्यू रख सकते हैं, देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना आ रहा है, देखो तुम्हारे पास कितने भुजा है, देखो 8 और 5, तो 8 प्लस के 5, ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो क्या हो जाएगा देखो, सुन लो यहाँ पे, तो क्या हो गया, 8 5 13 × 4/2, तो 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, 13 2 26 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाओं 8 और 6 सेंटीमीटर, उसकी 4 ऊंचाई और लंबाई का क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल सा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, डाल लो यहाँ पे, लिखो समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर, वही फार्मूला, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब सब कुछ इसमें दिया गया है, कोई बनाने वाली दिक्कत नहीं है। 1/2 समांतर हो जाएगा 8 और 6, 8 प्लस के 6, ऊंचाई हमारे पास 4 दी गई है, 4 लिख लिया हमने। 1/2 8 6 14 × 4, अब 2 से काट लो 2 2 4, 14 2 28 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नया क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक क्या कह रहा है, समलंबा का क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई कितनी दी गई, 15 मीटर दी गई है। यह तो उसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है, तो समांतर भुजाओं का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना यहाँ लिख लो, पहली भुजा हमारी क्या है, मान ली हमने एक्स। अब कह रहा है कि दूसरी भुजा क्या क्या है इसकी, दुगुनी है, तो यहाँ लिख लो दूसरी भुजा कैसी हमारी, दूसरी भुजा बराबर कितनी है, दुगुनी है, तो 2x हो गया, सीधी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें लिखेंगे वही, अब क्या पूछा है इसका, समांतर भुजाओं का लंबाई याद कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे समलंबाकार का क्षेत्रफल, समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर दिया गया हमारे पास कितना दिया है, 240, ठीक है। अब हमारे पास देखो हमें मालूम फार्मूला क्या होता है, समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे सम लंबा कार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 बराबर 1/2, अब हमारे पास भुजा कितनी, 15
दी गई है, ठीक है, ये क्या दी गई, उसकी ऊंचाई दी गई है। हमारा एक भुजा हमने एक्स मानी, दूसरी भुजा ये मानी, तो एक्स प्लस के टू एक्स, देखो एक भुजा क्या मानी एक्स और दूसरी भुजा क्या मानी हमने टू एक्स मानी, ठीक है। तो एक्स प्लस के टू एक्स, ऊंचाई कितनी दी है हमारे पास 15 दी गई है, तो 15 लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, अब देखो यहाँ पर ये इधर ले आओ, ये कितनी हो जाएगी 2 एक 3 हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 240 गुणे 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 15 इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। 15 जब बटे में आ गया तो ये क्या रह गया हमारे पास, तो 3x हो गया, x प्लस के 3x, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, कैसे देखो 15 एकम 15, ठीक। अब बचे कितने यहाँ पे, यहाँ पे बचे 90, 15 छक्का 15 एकम 15, अब 15 छक्का। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो समझो यहाँ पे, या ऐसे काट लो, 3 से काट, 3 पंजे 15, 3 8 24 0, अब 5 एकम 5, बचे 3, 5 छक्का 30, 16 दूनी 32। अब 16 दूनी कितना हो गए 32 हो गए, 32, ठीक है। 16 5 3 पंजे 15, 3 8 24 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब 5 काटो, 5 एकम 5, बचे 3, 5 का 30, 16 दूनी 32, ठीक। तो यहाँ पे भुजा का समांतर भुजा का कितना दिया, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ये हमारी 24 नहीं है, ये कितनी है हमारी, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 70 की है भुजा, ये कितनी है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 70, ये सवाल में गलती है, ठीक है, ये सवाल में गलती है, तो इसी पे से याद रखना है इसमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, अब इसको सही कर लो, इसको दोबारा से, इसको दोबारा से हम सही कर लेंगे, क्या आएगा, इसकी भुजा गलत दी गई थी, तो इसको क्या करेंगे 270 गुणा 2 बटे 15 बराबर 3x, तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 एम 27, ठीक। 5 काट लो, 5 एकम 5, बचे 4, 5 अठो 40, 18 दूनी 36 बराबर 3x, तो क्या हो जाएगा x बराबर 36 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पहली भुजा कितनी हो गई हमारी 12 आ गई, तो यहाँ पहली भुजा कितनी लिख देंगे हम, यहाँ पे 12 लिख देंगे, दूसरी भुजा क्या लिखेंगे 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया ये, तो ये एंड हो गया। तो फिर मिलते हैं, तो धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।